IVM. Nani, Kani, Nani, Nani, Kani, Nani, Kani. अरे मैं कोई कहानी सुनाने की मशीन हूँ क्या? पर नानी प्लीज ना, प्लीज प्लीज मुझे कहानी सुनाइए ना। देखो आप अगर कहानी नहीं सुनाएंगी ना तो मुझे नींद कैसे आएगी? अच्छा बाबा सुन, लेकिन एक ही कहानी, ठीक है? ठीक है। इस कहानी का नाम है जंगल का नया राजा। जंगल का नया राजा। सुनो सुनो सुनो, नन्ना खरगोश इतनी जोर से चिल्लाया कि वो खुद ही अपनी आवाज से थोड़ा डर सा गया। फिर अपनी आवाज, माइक और होशो हवास को ठीक ठाक कर वह आगे बोला, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने दयालु कृपालु महान राजा श्री कछुमन राय का आप सबके सामने स्वागत करूं। उसके सामने बैठे जंगल के सभी जानवरों की तालियों की गड़गड़ाहट से जंगल गूंज उठा। राजा श्री कछुमन राय ने तो अपने स्थान से तभी चलना चालू कर दिया था जब खरगोश माइक पर आया। वे गुणों की खान थे, मगर इतना तो उनको खुद भी पता था कि वे अपनी कछुआ चाल के साथ कहीं भी जल्दी नहीं पहुंच सकते थे। जब तक वे माइक पर पहुंचे, सभी जानवर उनके स्वागत में तालियां पीटते और सीटी बजाते रहे। राजा कछुमन राय ने हाथ उठाकर सबको आशीर्वाद दिया और करके गला साफ किया। दर्शक एकदम चुप। सभी जानना चाहते थे कि राजा कछुमन राय ने यह खास सभा क्यों बुलाई है। जैसा कि तुम सब जानते हो, मैं तो बरसों बरसों से तुम्हारा राजा रह चुका हूँ। इतने समय में मैंने इस जंगल में क्या कुछ होते नहीं देखा, क्या कुछ बदलते नहीं देखा। कितने जानवर चले गए, कितनों ने आकर हमारा यह जंगल अपना लिया और यहीं बस गए। कितनी बार खून खराबा हुआ और कितनी बार वापस अमन चैन फैला। मगर अगले हफ्ते मेरी बर्थडे है, पता है, तब मैं 180 साल का हो जाऊंगा। मैं जानता हूं तुम में से अधिकतर को तो यह मालूम भी नहीं कि 180 कितने होते हैं। अब मैं सोचता हूं कि यह राजकाज का काम किसी और को सौंपकर रिटायर हो जाऊं। बस धूप सेकूं और थोड़ा तालाब के पानी में छप छप करूं। मुझे मालूम है कि वैसे तो तुम मुझे यह आराम की जिंदगी जीने दोगे नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक नया राजा चुन लिया है। कौन कौन का शोर उठा। अभी नहीं बताऊंगा, अपनी बर्थडे पर ही बताऊंगा। पर एक बात बता दूं, वह वीर है, ताकतवर है, चतुर है और वह तुम सबकी रक्षा कर सकता है। भाषण समाप्त हो गया, पर जानवरों को समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें खुश होना चाहिए या दुखी, डरना चाहिए या केवल चकराना चाहिए। अगले 7 दिन तो जंगल में बहुत धूमधाम शोर शराबा रहा। खरगोश राजा कछुमन राय की विदाई के लिए भाषण तैयार कर रहे थे। भेड़िये विद्रोह की योजना बना रहे थे, क्योंकि हो सकता है उन्हें कछुमन राय द्वारा चुना गया नया राजा पसंद ना आए। अगर उस घमंडी बेवकूफ बाघ को राजा बना दिया तो कट्टो गिलहरी बस इधर से उधर भाग रही थी, क्योंकि उसे मालूम था कि सजावट की सारी तैयारी उसे ही करनी है। उसे तो किसी और पर भरोसा नहीं था। कोई मदद करने आया तो केवल काम बिगाड़कर काम बढ़ाएगा। भालू
सारे दिन घुंघरू बांधे तक दिनाधिन डांस की प्रैक्टिस में लगा रहता। अगर वो हिरनों से ज्यादा अच्छा नाचा तभी तो उसे राजा के सामने प्रदर्शन करने दिया जाएगा, ये बात वो जानता था। इस सारे गड़बड़ झाले में एक बाघ ही था जो केवल तमाशा देख रहा था। न वह किसी की मदद कर रहा था, न वह किसी भी चीज में भाग लेना चाहता था, यहां तक कि कट्टो गिलहरी के रास्ते से भी न हटता। चाहे वो कितना ही भारी सामान अपनी नन्ही सी पीठ पर लेकर दौड़ रही हो। चलो आखिरकार यह राज्य मुझे मिलेगा तो सही, वह मन में सोच रहा था। इतने बरस हो गए इस दिन का इंतजार करते करते, अब सबको पता चलेगा कि मैं ही राज सिंहासन का असली हकदार हूं। सबको मेरे आगे सलाम ठोकना पड़ेगा। मेरा रौब, मेरा डर, मेरा आतंक सबको मानना पड़ेगा। आखिरकार वह दिन भी आ ही गया। खट्टो गिलहरी थकी हुई स्टेज के पास पड़ी थी, परंतु उसके मन में बहुत गर्व और खुशी थी कि उसने अपने प्यारे प्यारे राजा की पार्टी के लिए इतनी सुंदर सजावट की है। भालू का डांस तो नहीं चुना गया था, पर वह वहां बैठने में भी बहुत प्रसन्न था। खरगोश माइक पर आया। हमारे प्रिय राजा श्री कछुवन राय की बर्थडे के अवसर पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार उसे अभ्यास था, वह माइक की आवाज से डरा भी नहीं। कार्यक्रम आरंभ हुआ, कोयल ने गीत गाया, हिरनों ने उछल उछल कर नृत्य किया, बंदर ने तीन अमरूदों के साथ जगलिंग किया और बतख ने तोते के साथ मिलकर हैप्पी बर्थडे गाया। फिर कट्टो गिलहरी को स्टेज पर बुलाया गया और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उसे कार्यक्रम का इतना सुंदर आयोजन करने के लिए स्वयं राजा श्री कछुमन राय ने सर्टिफिकेट दिया। आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कछुमन राय की आवाज से जंगल गूंज उठा। अब मैं कोई लंबा भाषण देने के मूड में तो हूं नहीं, मैं तो बस रिटायर होकर आराम करना चाहता हूं। इसलिए बिना समय गंवाए मैं अब स्टेज पर बुलाता हूं अपने परम मित्र और चेले को। बाघ उठकर खड़ा हुआ, लेकिन जब उसने आगे का वाक्य सुना तो जो मुस्कान उसके चेहरे पर थी एकदम फीकी पड़ गई और वह वहीं ठिठक गया। दोस्तों, पेश है जंगल का नया राजा बब्बर शेर। तालियां इतनी बजे कि आसमान तक पहुंची। शेर स्टेज पर आकर जैसे जैसे झुक झुक कर नमस्कार कर रहा था, वैसे वैसे बाघ का खून खौलता और खौलता जा रहा था, पारा ऊपर बढ़ता जा रहा था। यह नहीं हो सकता, उसने मन में सोचा, यह नहीं हो सकता। इस बार वह जोर से दहाड़ा और स्टेज पर जा कूदा, सीधे कछुमन राय की ओर ताक लगा रहा था। धीमी पर साफ आवाज में गुर्राया, सालों साल मैं तुम्हारे साथ लगा रहा, तुमसे राजकाज के तौर तरीके सीखे, तुम्हारा हर छोटे से छोटा काम किया, तुमने जो कहा पूरा किया, इस उम्मीद में कि एक न एक दिन तुम रिटायर होगे और फिर इस जंगल का राजा मैं बनूंगा। इन सब पिद्दी से जानवरों को भी पता चलेगा कि एक शक्तिशाली राजा कैसा होता है। ऐसा राजा भी क्या राजा जिसका रौब न हो, जिससे कोई डरे नहीं। मैं यह राजा की गद्दी, यह ताज लेकर रहूंगा।
उसके बाद जो कुछ हुआ वो इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। बाघ कछुमन राय की ओर झपटा। वह हवा में ही था जब बब्बर शेर कछुमन राय के सामने आ गया। उसने बाघ को पंजा उठाकर इतनी जोर से मारा कि वह स्टेज से गिर गया और फिर वो इतनी जोर से दहाड़ा कि सब जानवर डर के मारे छुपने भागे। और बाघ, वो तो ऐसा भागा कि आज तक उसे किसी ने फिर उस जंगल में देखा ही नहीं। कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, पर अब तुम सोचो कि अगर जंगल के जानवर शेर से इतना डर गए तो क्या कछुमन राय ने शेर को फिर भी जंगल का राजा बनाया होगा? सोचो सोचो सोचो। अच्छा, एक बात तुम्हें मालूम है, जब शाम के समय कोई शेर दहाड़ता है तो उसकी आवाज 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। शेर जंगल में अपने परिवार के साथ रहते हैं और दिन में 16 से 20 घंटे तक सोते या आराम करते हैं। Good evening, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. Sorry to say, but there's been a slight delay due to the apocalypse having suddenly begun. As you can see, there's death, destruction, and chaos taking place all around us. But don't you worry, food and drinks will be served shortly, and I would recommend checking out IVM Podcasts to get some of your favorite Indian podcasts. We'll keep you going till this whole thing blows over. Thank you.